देखेंगे कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान बायोलॉजी के यूनिट 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यूनिट 1 जो आपकी है रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन जो कि कुल 14 अंक की 14 नंबर की पूरी यूनिट है। यह इसमें ऑब्जेक्टिव में 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, 4 नंबर के प्रश्न ऑब्जेक्टिव बहुविकल्प वाले प्रश्न होंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, 3 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है और 5 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो इस पूरी यूनिट में कुल 4 अध्याय है। तो इसमें से अध्याय एक जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वह हम देख लेते हैं। तो इस अध्याय में से अधिकतर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स चलो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको इंग्लिश में भी हमने लिख दिया क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आसानी से इसको समझ सके। डिस्टिंग्विश बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। ठीक है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है, या फिर प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्लोन क्या होता है। ठीक है, या फिर इंग्लिश में है व्हाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर टू एज क्लोन। ठीक है, व्हाट इज क्लोन। तो क्लोन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद अगला जो है अंतर बताइए जूस्पोर एवं युग्मनज और युग्मक एवं भ्रूणोद्भव। तो इनके बीच में अंतर हमें बताना है। यदि इसको इंग्लिश में देखे तो है डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर एंड जायगोट और गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो यह अंतर वाले 2 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और इसी में अंतर वाला एक क्वेश्चन है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अगला जो प्रश्न है 2 नंबर में आ सकता है कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं। कोई 2 उदाहरण दीजिए। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, गिव 2 सुटेबल एग्जाम्पल। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है हमें बताना होगा इसमें और साथ में 2 उदाहरण भी यदि हम देंगे तो हमें पूरे अंक प्राप्त होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी। अगला है लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं क्यों। ठीक है, यहाँ बताना है हमें कि जो लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति पैदा होती है उसे जीवित रहने के अच्छे अवसर क्यों होते हैं। क्या यह कथन हर समय सही होता है। ठीक है, क्या यह कथन हर समय सही है। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, व्हाई। इज दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। तो यह हमें बताना है इसमें। और अगला जो प्रश्न है अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है। हाउ डज द प्रोजेनी फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या क्या अंतर होता है, क्या भिन्नता होती है यहाँ हमें बताना है। ठीक है, तो यह जो पूरा लेसन है सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक और अलैंगिक जनन पर ही आधारित है और इसके साथ ही इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से संबंधित तो उसकी सारी विधियां भी बताई गई है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।